हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है और यहाँ हैदराबाद में सूरज देर तरह ही निकले हैं क्योंकि बदली छाई हुई है, आप देख सकते हो। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा था, सारे पशु पक्षी अपना निकल लेते हैं आसमान में घूमने के लिए और बस अपना दिन की शुरुआत हो जाती है। तो मेरी भी दिन की शुरुआत हो गई है और बस अभी मैं चाय पीऊँगी थोड़ी देर में, और इसके साथ ही हम गर्म पानी पीते हैं तो वो भी हमने पी लिया है, बस अब चाय पीएंगे। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, देखते हैं और दिन में क्या क्या करते हैं। तो गाइस, मैंने सोचा किचन में जाने से पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। तो मॉर्निंग के आई थिंक 6:57 ऐसे कुछ हो रहा था, बट आप देख सकते हैं वेदर कैसा है। और बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि सूरज देवता हमें दर्शन दें। तो ये मेरे टेरेस का व्यू है, टेरेस से बाहर का व्यू है, बादल आप देख ही सकते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। मगर हाँ, सूरज देवता के दर्शन होते सुबह सुबह तो और भी अच्छा लगता, और पशु पक्षी सब निकल जाते हैं सुबह। तो फिलहाल तो हम पक्षी देख सकते हैं, पिजन्स हैं, क्रोज कौवे हैं, सब उड़ रहे हैं, अपना इनका दिन की शुरुआत हुई। और ये एक कौवा मुझे बहुत अच्छा लगा, एक पाइप पर बैठा था करके तो मैंने जूम करके ले लिया। अक्सर ऐसे सीन मुझे देखने को मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, तो सोचा चलो आप लोग को भी दिखाते हैं। और इतनी सारी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, और मॉर्निंग में देखो तो और भी अच्छा लगता है, कभी भी देखो तो अच्छा लगता है मॉर्निंग इवनिंग। तो इससे मैं ना सामने वाली छत पे बहुत सारे पिजन्स आते हैं, बट अभी तक वो आए नहीं है शायद, और एक अंकल उनको वहाँ पर दाना डालते हैं तो आज वो नहीं है वहाँ पर। अदरवाइज़ वहाँ पर बहुत सारे, कम से कम आई थिंक 50 से ज़्यादा रहते होंगे, या 70-80 करीबन, मतलब काफ़ी ज़्यादा लगता है, काउंट तो नहीं किए कभी, बट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे माउंटेन जैसा भी दिखता है हमारे घर से लेफ्ट साइड में, ये मैंने आपको जूम करके दिखाने की कोशिश की है, पता नहीं क्या है ये, बट दिखता है, अच्छा लगता है। तो मेरे टेरेस से ना ये व्यू काफ़ी अच्छा रहता है, खूबसूरत पेड़ पौधे। और ये हमारे जो नेबर आंटी हैं, नेबर अंकल, उनका छोटा सा गार्डन बोल लीजिए या जो भी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखना। और ये मेरे जो पीछे, मतलब जो बेडरूम से जो विंडो गैलरी है वहाँ से जो दिखता है अपार्टमेंट घर, वो है। तो यहाँ भी काफ़ी हरियाली है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, तो हरियाली को देखकर मन खुश हो जाता है ना, चाहे कोई प्रॉब्लम हो या जो भी हो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये बगल में नेबर ने हमारे ये लगा रखे हैं अपने एंट्रेंस में, देखिए ऊपर कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। मैं भी अगर अपना घर होगा तो मैं भी ज़रूर कुछ ऐसे ही डेकोरेशन करूँगी, काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रीनरी मन को खुश कर देती है, टेंशन को गायब कर देती है। सॉरी, तो मैं किचन में आ गई थी और चाय मैं चढ़ा दी थी मैंने बीच में, तो वो खोल रही है। और ये भाप की वजह से क्लियर नहीं पिक्चर आ रहा, क्योंकि जो भाप आ रही है ना चाय की, उसकी वजह से पूरा। हाँ, अभी देखिए मैंने फिर से लेने की कोशिश की ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ। तो हमारी चाय उबल रही है, पक रही है चाय, तो थोड़ी देर में हम इस चाय को एंजॉय करेंगे। इलायची वगैरह डाल दो, इलायची, लौंग, काली मिर्च, अदरक, अदरक तो मेरे पास अभी है नहीं, बट मैंने बाकी चीज़ें डाल दी हैं। और ये रहा मोनाको बिस्किट, तो मोनाको बिस्किट चाय के संग हम लोग को ज़्यादा पसंद आता है, तो हम लोग उसको अक्सर लेते हैं। तो मैं आप सभी को, आज नागपंचमी है तो उसकी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि मेरे से सबको हैप्पी नागपंचमी। और आम भाषा में हमारे यहाँ इसको गुड़िया भी बोलते हैं, तो आज के दिन कपड़े की गुड़िया बनाई जाती हैं, और तीन गुड़िया दो गुड्डे, और फिर उसको सजाया जाता है काजल सी बिंदी वगैरह लगाकर। और फिर जो घर के लड़के होते हैं, मतलब भाई होते हैं, वो उनको वो एक छड़ी लेकर जाते हैं, पर जहाँ पे एक पहले जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ पे तो मेला लगता था गुड़िया का, तो वहाँ पे जाते थे। और जो गुड़िया है उसके नीचे हमारे यहाँ घुघरी बनती है आज के दिन। घुघरी मतलब जो गेहूँ होते हैं और चना, ब्राउन चना, दोनों को बॉयल करके नीचे पहले एक बास्केट में उसको बिछाते हैं, और वही प्रसाद के रूप में हम लोग खाते भी हैं। तो उसके बाद फिर उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाएंगे, कपड़े के ऊपर वो गुड़िया और गुड्डों को रखेंगे, और उसके बाद फिर उनको ले जाते हैं वहाँ मेले में, एक जगह होती है, सारी बहनें वहाँ पर गुड़िया को डालती हैं, और फिर भाई उसको डंडी से पीटते हैं। आई डोंट नो सर क्या रीज़न है, बचपन में कुछ बताया था वो मैंने, बट मैं अभी भूल चुकी हूँ। तो ये होता है गुड़िया में, और वो घुघरी जो होती है वो खाई जाती है प्रसाद रूप में। और फिर जो छोटे थे ना, तो मैं तो इतना मेले में नहीं जाती थी, बट मतलब अच्छा लगता सबको। फिर घर में जब बच्चे हो, मेरी दीदी के बच्चे हैं, तो फिर अच्छा लगता जाना। तो
वही है। और अभी यहाँ पर मैं हूँ तो यहाँ पर तो कोई है नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं। और आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा होता होगा क्योंकि तेलुगु कल्चर यहाँ पे है, तो देखती हूँ। और मेरा जरा ना मोस्टली सामान जा चुका है, तो मेरे पास गेहूँ भी नहीं है कि मैं घुघरी बनाऊँ। हाँ चना ज़रूर है, तो मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और कल के बाद ना इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ आपको। बट जो भी है दिन तो गुजरेगा ही, काम भी होंगे, तो मैंने सोचा आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और अगर मेरे घर में लखनऊ में, मतलब वहाँ पर मेरी दीदी हैं, दीदी के बच्चे हैं, दीदी गुड़िया बनाती है, तो मैं दीदी को बोलूँगी कि मुझे छोटी सी क्लिप भेज दे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डेफिनेटली छोटी सी रहती हैं, इतनी बड़ी सी बट क्यूट लगती हैं। वो कपड़ों से बनती हैं, जो पुराने कपड़े हैं, मतलब नए कपड़े जो कतरन हो या ऐसे कुछ भी छोटा मोटा पीस रखा हो, तो वही मुझे भी याद आ गया। और पीछे मेरे रिमझिम बादल बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना हम उन्हें ओपन कर देते हैं और वो पूरे घर में अच्छे से घूमते रहते हैं, उड़ते हैं इधर उधर, क्योंकि हमने उन्हें पाला तो है, बट मुझे लगता है कि उनको फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। तो अभी क्या है, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते बाहर, उनकी सेफ्टी का सवाल है, तो इसीलिए फिर उनको घर में दिन में एक बार या कभी कभी दो तीन बार ऐसे 2-4-5 घंटे के लिए खुले घूमते हैं। और हम चेक कर लेते हैं कि कहीं घर में कुछ मतलब बिल्ली वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है, तो पूरी सेफ्टी के साथ उन्हें हम ओपन करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो क्लिप मैं ऐड कर दूँगी, तो आप देख लेना, और या पहले का कोई क्लिप होगा तो मैं ऐड कर दूँगी। और बस यही है, और बाकी काम देखती हूँ क्या करना है। और मैंने अपना मंदिर भी भिजवा दिया है मोरल्स पैकेज में, बट हाँ गणपति जी को पास रख लिया। और यहाँ जो पहले से भगवान जी वो हैं यहाँ पर, तो बस मैं उनकी पूजा करूँगी जितनी कर सकती हूँ। मंदिर अभी मैं लखनऊ में होती ना, तो वहाँ पे भाई शंकर भगवान के मंदिर जाती हूँ, नागपंचमी है, नाग देवता के लिए दूध रखना ये सब। यहाँ है मंदिर पास में ही है, बट यहाँ कैसा है कि मेरी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में और आसपास में 2-3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो थोड़ा निकलने से हम लोग वो कर रहे हैं, तो शायद मैं घर पे ही पूजा कर लूँगी। देखती हूँ फिर बाद में अगर मंदिर में दर्शन करने जा पाई तो बस यही है। और कैसा ना ये त्यौहार वगैरह अपने तरफ, मतलब अपने जहाँ पे आप, यहाँ के आप ओरिजिनल हो, जैसे मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पे बनाओ तो वहाँ पे रौनक और ही रहती है, और दूसरे प्रदेश में आकर इतना नहीं हो पाता है। तो चलिए फिर इस बार तो आई थिंक अब से जो भी त्यौहार आ रहा है इसके बाद मैं सब लखनऊ में मनाऊंगी अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी मायके की फैमिली के साथ। और तो चलिए फिर अभी देखती हूँ क्या करना है, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। तो हैप्पी नागपंचमी टू ऑल ऑफ यू, बाय। तो गाय सब मैंने नहाकर पूजा कर ली है, और यही कुछ फ़ोटोज़ कुछ हैं मेरे पास, और जो पहले के हैं यहाँ पे तो मेरे ससुराल के, वो मुझे साफ़ करने हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और फिर से कह रही गुड मॉर्निंग, मतलब मेरी पूजा हो चुकी है मॉर्निंग की, टी वगैरह तो हमने पी ली है, और अभी देखूँगी लंच की पूजा भी हो गई है। और आज जितना मेरे पास जो सामान था, जितना जैसा था, मैंने पूजा कर ली है। प्रॉपर तो नहीं कर पाई मैं, बट फिर भी कोशिश की है कि अच्छे से कर पाऊँ। और भगवान भोले शंकर नाग देवता मेरे परिवार को, हम सबके परिवार को खुश रखे, आशीर्वाद दें। और मैंने थोड़ा मोटा मोटा खजल लगाया बाहर, तो वही मैं देख रही थी। तो बस सिंपल सा दिन आज मेरा ये है, अभी देखती हूँ, सोचा तो है खिचड़ी बनाऊँगी और चावल ऑर्डर की, और कुछ मिठाई बनाना, बट मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेवई बना लूँ, वैसे तो मिठाई रखी है, तो देखती हूँ कैसा है, भगवान को उसका ही भोग लगा दूँगी मैं। और वैसे भी भगवान श्रद्धा भक्ति देखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मैं लंच की प्रिपरेशन शुरू करूँगी। प्रिपरेशन क्या, खिचड़ी बननी है, और कल की थकान अभी तक बहुत 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 ज़्यादा है। और सोच तो रही थी कि मंदिर है थोड़ा पास में ही चली जाऊँ, मगर डर लग रहा है कोरोना की वजह से। अपनी बगल की बिल्डिंग है ना हमारे सामने की, अगर मैं आपको पहले से दिखाऊँ तो दिखेगी, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आपको सामने दिख रहा है ना, जब पेड़ के पीछे, तो ये हमारी सामने की बिल्डिंग है, और यही है, मैंने जूम कर दिखाया, नॉर्मल में ऐसा है यहाँ पे देखिए। और अभी देखिए अब बारिश हो रही है यहाँ पे भी, आसमान देखना चाहें तो आप, यहाँ लगता है कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है बगल की बिल्डिंग में। एंड यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो गाइस ये मैंने जूम करके दिखा रही हूँ आपको, ये बोर्ड के पास में,
तो यहाँ पे ना मतलब नेकलेस रोड है जो हुसैन सागर झील है वहाँ से एक मतलब फ्लैग रहता था वो यहाँ से दिखता था। और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये ओल्ड एयरपोर्ट का पेट एयरपोर्ट का व्यू दिखता था। तो ये मैं आपको बादल अपनी बिल्डिंग दिखाने लगी हूँ। और ये जो पेड़ है ना इस पर ये फूल है या क्या पत्ती है मुझे हर सीज़न में दिखते हैं, मुझे 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है पेड़। गर्मी में झड़ जाता है पूरा ये, फिर से इसमें आ जाते हैं बारिश के टाइम में ये। तो ये इधर भी है हर तरफ हरियाली, मेरे घर का मेन गेट और सामने जो सब रखा हुआ ना सब वो थोड़ा सा जो कचरा थर्माफोल वगैरह होता है वो सब रखा हुआ है। और ये हमारी तुलसी माता तो वो सब हमें हटाना है अभी। और ये एक लुक पूरा हमारे टेरेस का जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये आंटी के गमले में कोई फूल निकला, आई थिंक गुलाब का है, बहुत ही खूबसूरत। तो आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और थोड़ी हल्की हल्की, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला आपको बिल्डिंग दिखाने के लिए। तो बस यही है और अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, फिर आगे मिलती हूँ आपसे, देखती हूँ किसी व्लॉग में मिल पाती हूँ या नहीं, जैसे भी आपको मालूम चल जाएगा। तब के लिए बाय। तो गाइस अब ये शाम का वक्त हो चुका है और ये लंच में खिचड़ी बनाई थी मैंने दाल और चावल की, मिक्स दाल की मतलब मूंग मसूर और अरहर की, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर, खिचड़ी भी क्या रिकॉर्ड करना। तो उस खिचड़ी को हमने देसी घी के साथ खाया था, देसी घी में छौंक लगा कर, वही मैं आपको दिखा रही थी और अच्छी बनी थी। तो कुकर में बनाई थी ताकि जल्दी बन जाए और बस अभी टेंशन बहुत ज़्यादा ना शिफ्टिंग की, तो वही दिमाग में चलता रहता है। तो अब फिर मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने आलू कट करके रखे हैं आप देख सकते हैं, और ये मैंने साबूदाना भिगा के रखा है। तो डिनर के लिए भी हम सोच रहे हैं खिचड़ी खाएंगे, बट नॉट वो वाली, ये साबूदाने वाली, थोड़ी सी वही बची है। तो साबूदाना को भिगा के रख दिया मैंने धुल के, महीन महीन आलू को भी महीन महीन काट लिया है देख सकते हैं आप, ताकि जल्दी पक जाइए। तो इसके साथ ही मैंने और भी तैयारी कर रखी, हरी मिर्च और टमाटर को महीन महीन कट कर लिया देख सकते हैं, बहुत महीन नहीं किया थोड़ा। और उसके बाद अब मैं इसको, पहले मैंने आलू छौंक दिए थे वो मैं क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मुझे आलू को चेक करना होगा कि आलू पके हैं या नहीं पके। जीरा बस डाला था और देसी घी, जीरा और हल्का सा आलू में वाइट मतलब सफ़ेद नमक और आई थिंक लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा बस। तो मैं आलू को चेक कर रही हूँ और सिंक में बर्तन है प्लीज़ उसका ध्यान रख दीजिए, वो भी साफ़ करने अभी करूँगी मैं। तो ये मैं आलू चेक कर रही हूँ कि अगर आलू हो गए हैं तो फिर मैं अपना बाकी का प्रोसेस करूँ। और मुझे ना गाय साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाना वड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत हद से ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा भी और इनको होना है तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिर मैंने कट करके देखा तो मुझे लगा नहीं अब ऑलमोस्ट पक ही गया है, तो मैंने एक कटोरा रख लिया साइड में जिसमें मैं इसको निकालूंगी। तो अब मैं इसको परोस लूँगी क्योंकि मुझे लग रहा कि थोड़ा सा भी साबूदाना की खिचड़ी में भी डालेंगे ना तो भी अगर थोड़ा सा कसर रह गई है तो उसमें पक जाएगा होकर। तो अब मैं इसको उसमें निकाल ले रही हूँ। सॉरी, तो सारे आलू सब निकालूँ क्योंकि मेरे को इसी कढ़ाई में साबूदाना डालना है, खिचड़ी बनानी है, इसलिए मैं इसको निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो किसी दूसरी कढ़ाई में बना लीजिए तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कढ़ाई को पूरा अच्छी तरह से खाली कर लूँगी, सारे आलू जो भी हैं निकाल लूँगी। और मैं आज ये खिचड़ी, कभी हम इसको रिफाइंड ऑयल में भी बनाती हूँ बट आज मैं देसी घी में बना रही हूँ। आलू भी मैंने देसी घी में छौंके थे तो काफ़ी अच्छा मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट आ गया था, ऐसा लगा था कि घी ने जो खाने का ना टेस्ट बढ़ा दिया है। तो अब मैंने गैस धीमी है तो मैंने फिर से वो अपना देसी घी का बाउल लिया है और उसमें मैं देसी घी इसमें डालूँगी मैं, और इसमें जो फ्लेम है वो सिम पे ही रहेगा। तो ये मैं डाल रही हूँ उसमें आई थिंक 2 या 3 छोटा चम्मच है, और फिर एक्चुअली जितना आपको क्वांटिटी बनानी है, मेरे साबूदाना ज़्यादा मैंने भिगाया है तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ जितना मुझे बनाना है खाना है। अब चूँकि मेरी फेवरेट है तो थोड़ा ज़्यादा ही खाऊँगी मैं, और दिन में वैसे भी वो खिचड़ी खाई थी तो मतलब कुछ इतना ज़बान में मज़ा, ज़बान को मज़ा नहीं आया था। तो बस यहाँ पे घी गर्म हो रहा है, जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा नॉर्मल जैसे होता है सब्ज़ी बनाते हैं वैसे, इसमें मैं जीरा डाल दूँगी। कोई लोग अजवाइन भी डाल सकते हैं बट मुझे पर्सनली जीरा ज़्यादा पसंद है। तो मैं चेक कर रही हूँ कि ऑयल हुआ है नहीं हुआ है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया क्योंकि मैंने आलू में भी जीरा डाला था, साबुत जीरा, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जब आलू मैं खिचड़ी में ऐड करूँगी तो जीरा अपने आप ही उसमें क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो इसमें मैं मेरे जो चॉप टमाटो और
चिली है वो डालूंगी। और मैंने दो टमाटो लिए थे, एक थोड़ा बड़ा साइज़ का था, एक मीडियम साइज़ का था। अब ये अपने ऊपर है, मैं ऐसा कुछ इसका परफेक्ट मेजरमेंट नहीं रखती हूँ, जितना मेरे को लगता है ठीक है मैं अंदाजे से कर लेती हूँ। तो अब मेरे को इसको सॉफ्ट होने तक भूनना है। और नमक मैं ज़्यादातर नहीं डालती हूँ, अगर मैं तेज़ आँच पे भूनती हूँ तो अपने आप ही सॉफ़्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार नमक डालो तो ही टमाटर सॉफ्ट होंगे, ऐसा नहीं लगता मुझे। तो बस इसको थोड़ा सा आँच तेज़ रखनी है समय पर, और हम इसको चलाते रहेंगे। कंटिन्यूसली चलाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट चला लेंगे तो अच्छा। तो देखो उसको मैं मैश ऐसे कर ले रही हूँ थोड़ा सा पकने के बाद, और फ्लेम थोड़ा धीमा ही है इस समय, ज़्यादा धीमा नहीं है, मिड फ्लेम है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे टमाटर गल गए ऑलमोस्ट, मैं इनको मैश कर ले रही हूँ, काइंड ऑफ इसी कलछुल से ही मैश कर ले रही हूँ। और जितना जैसा मुझे चाहिए, मतलब ये ना अपनी पसंद पर डिपेंड करता है, किसी को साबुत दिखने चाहिए टमाटर, किसी को नहीं दिखने चाहिए। सॉरी फ्लेम हाई थी, मैंने अभी स्लो किया। और मैं ना थोड़ी सी काली मिर्च को क्रश करके रख लिया था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। आजकल मैं काली मिर्च हर चीज़ में कुछ ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है ही, इसलिए। तो ये हमारे टमाटर और मिर्च आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कुक हो गया, इसमें से ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो जो मेरा साबुदाना है अब वो मैं इसमें डालूँगी, मैं इसी कलछुल से डाल ले रही हूँ। और क्योंकि मैंने ना ये कढ़ाई छोटी ले ली, तो प्रॉब्लम क्या हो गया मेरे को कि मेरा सारा साबुदाना इसमें आ नहीं पाया, तो थोड़ा सा बच गया था। तो वो मैं देखूंगी कल बना लूँगी या जैसा भी है। तो जैसे मुझे लगा कि हाँ इसमें मैं आलू भी ऐड करूँगी तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस हिसाब से मैंने इसको ले लिया है। सॉरी आज खांसी कुछ लगता घर में फंस गया। और मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गर्म मसाला कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और हल्का सा रेड चिली पाउडर हल्का सा ही, और नमक थोड़ा डालूँगी। नमक एक्चुअली मैंने तो कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया, नमक कम हो गया था, मुझे लगा कि आलू में भी नमक है तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, बट इस चक्कर में वो ज़्यादा ही कम हो गया। तो अब मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी, जो हमारे 90% या 95% तो कुक हो ही गए हैं। और आलू भी उसी हिसाब से कढ़ाई को ध्यान में रखते हुए कि मैं जो भी है खिचड़ी का मिक्सचर वो आपस में अच्छे से मिल जाए। तो इसको मैं चला लूँगी अच्छे से। और देखा जाए तो आलू पके हुए हैं, साबुदाना भी सोख है, मतलब मैंने पानी में कितना बोलूँ, हाफ अंगुल पानी में भिगाया रहेगा 10-15 मिनट तक या आधे घंटे तक। उसके बाद पानी निकाल दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये साबुदाने की खिचड़ी कुक हो जाती है। तो मैंने अब इसको रख दिया है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी ढकती हूँ कभी नहीं, मतलब कभी ढकती हूँ मैं कभी नहीं, तो आज मैंने थोड़ा ढक दिया है इसको। साबुदाने खिचड़ी हम कई तरीके से बनाते हैं, कुकर में भी बनती है मेरे घर में रखने में। तो अभी मैंने 5 मिनट बाद या तीन मिनट बाद खोल के देखा तो ये ऑलमोस्ट पक चुकी है। और मैं इसको अच्छे से चला लूँगी ताकि नीचे लगे ना, बट नीचे थोड़ी सी जो लग जाती है ना, क्रिस्पी हो जाती है, वो हम लोगों को बहुत पसंद है टेस्ट उसका। तो इस समय फ्लेम बिल्कुल धीमा है, और बस देख सकते हैं आप फ्लेम। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, इसको स्टैंडिंग टाइम दूंगी थोड़ी देर के लिए, ढक दूंगी गैस का फ्लेम बंद करके। तो ये मैंने परोस ली है अपने लिए खिचड़ी, और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, तो बस मैं अब इसको इंजॉय करने जा रही हूँ। और काफ़ी अच्छी बनी थी, बस नमक थोड़ा सा कम हो गया था। और देखिए आप पास से, ये थोड़ा सा जो क्रिस्पी में आपको नीचे मिल जाए, थोड़ा चिपक जाता है नीचे थोड़ा सा लग, वो मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब खर बोलते हैं थोड़ा सा, वो ऐसा हो जाता है, ये ना कुरकुरा टाइप का लगता है खाने में, और हो सकता था तो बहुत ही कुरकुरा लगता है खाने में। पास इसका दिखा रही हूँ कि देखिए कितना खिला खिला बढ़िया बना है ये। और ये शाम का वक्त हो चुका है, और देखिए आसमान कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक्चुअली सुबह हो या शाम, आज तो पूरा दिन ही ऐसा रहा है, और बादल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। और सूरज देवता तो ना आए ना गए, बस ये खूबसूरती हमने इंजॉय की है। तो मौसम अच्छा लग रहा है देखने में, सुंदर है। सूरज देवता तो आए भी गए भी नहीं, आए भी नहीं गए भी नहीं। तो ये मैं अपनी किचन की विंडो से ले रही हूँ यहाँ बाहर का व्यू, और सोचा थोड़ा जैसे भी आपको दिखा दूँ। तो किचन की विंडो ओपन कर लेते ना तो काम करने में अच्छा रहता, फ्रेश एयर आती रहती है तो अच्छा रहता। तो मैं अब डिनर तो मैं बना चुकी हूँ, साबुदाने की खिचड़ी। तो सुबह मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए कुछ बना नहीं पाई थी, तो वही अब मैं खीर बनाने आई हूँ। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो मैंने राइस भिगा के रख दिए हैं। राइस को मैंने 4-5 पानी से पहले धो लिया है, फिर अच्छे से पानी में भिगा के रख लिया है, और इसको अच्छे से मसल के ही धोना है ताकि इसका जो व्हाइट व्हाइट, मतलब जितना भी जब तक अगर पॉलिश रहता है वो निकल जाए।
तो फिलहाल मैं इसको कर दूंगी और एक बार और पानी इसका डाल दूंगी, फिर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए 10 to 15 minutes या 15 मतलब 30 मिनट्स तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा पानी और डाल के रख दे रही हूँ और वॉश करने के बाद से अब इसको मैं रख के ढक के रख दूँगी, इसका जो ढक्कन है इसे बंद कर दूँगी मैं। और एट द सेम टाइम मुझे अभी खीर बनानी है, तो खीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, चावल एंड दूध। तो यस, ये भगोना मैंने लिया थोड़ा बड़ा और कि 1 लीटर इसमें आ जाए आराम से, 1 लीटर की पूरी मैं खीर बनाऊँगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़रा सा पानी बिल्कुल डाला है, कई लोग बोलते हैं कि हल्का सा पानी नीचे डाल दो ना तो फिर दूध उबल के नीचे गिरता नहीं है। तो मेरा जो टेट्रा पैक है वो 1 लीटर का पैक पूरा मैं इसमें डाल रही हूँ। तो पहले मैं दूध को बॉयल करूँगी एंड देन उसी दूध से फिर मैं खीर बनाऊँगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ, और मैंने कई लोग ऐसा भी करते हैं कि हाफ़ दूध हाफ पानी या कुछ रेशियो उनका रहता है 70-30 का, बट मैं बेसिकली दूध ही डाला है। अगर आप बोलेंगे रेशियो के हिसाब से तो आई थिंक 98% दूध है और 2% पानी है, तो इसका टेस्ट कुछ अलग ही रहता है, डेजर्ट टाइप की रहती है ये बिल्कुल। तो तारीफ़ नहीं कर रही, बस आपको अपनी बता रही हूँ। तो फ्लेम देखा आपने कैसा होना चाहिए, और ये जो जूठे बर्तन को मैं साइड हटा रही हूँ, विम बार वगैरह चावल मैंने साइड में रख दिया है। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये दूध बॉयल होगा क्यों ना मैं बर्तन धो लूँ, क्योंकि मेरे को ही धोने, तो मैंने कहा चलो धो लेते हैं इसको। और बर्तन धोना तो ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रही हूँ, बर्तन धोना तो सभी को आता है, बट मैंने यहाँ पे एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है अपना और एक हाथ से मैं बर्तन मेरा ग्लास धो रही हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो फिलहाल तो मैं 1-2 ग्लास धो के आप धोऊँगी, फिर बाद में मैं कैमरा फ़ोन रख कर फिर मैं सारे बर्तन धो दूँगी, क्योंकि एक हाथ से मुश्किल हो रहा है यार, क्योंकि धोने के लिए भी दोनों हाथ चाहिए होते हैं अच्छे से बर्तन। तो यही है बस मैं धो रही हूँ, और मैं ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं करती, थोड़ा अगर मुझे बर्तन धोने हैं तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन धोती रहती हूँ, ताकि एकदम से ढेर सारे बर्तन का ढेर देख के डर ना लगे ना कि ओ माय गॉड इतना सारा काम करना है। तो मेरा जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं ऐसा ही यही ट्रिक आजमाती हूँ। और मैंने प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ कर दिया है, तो ये सब बर्तन है आप देख रहे हैं, मैं इनको अलग कर रही हूँ, मतलब पानी से निकाल के अलग कर रही हूँ बस मांजने के लिए इनको। तो वही है, और बर्तन मांजना मतलब जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है, और जब हाउस हेल्पर नहीं आ रही है तो आदत छूट जाती है तो दिक्कत हो जाती है। अगर आपकी आदत है तो आप सारा काम ईजिली कर लेते हो, बट अगर एक बार आदत छूट गई ना, तो अभी फ़िलहाल तो मैं 5 महीने बाद ही सब काम कर रही हूँ, क्योंकि एज यू ऑल नो मैं अपने मायके में थी, रेस्ट करने गई थी तो 1 महीने के लिए, बट 5 महीने लग गए। तो वही है, और ये मेरा तड़का पैन जो है ना वो टूट गया, इसका हैंडल वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और क्योंकि मेरे हाथ में तकलीफ़ है तो मैं सही से ज़्यादा जो जल गया ना बर्तन को सही से नहीं साफ़ कर पा रही हूँ, मेरा स्टील का स्क्रबर भी नहीं है, पता नहीं किधर चला गया है, तो नया लाना है अभी। और अब मैं सोच रही हूँ शिफ्टिंग कर ही रहे हैं तो फिर नया वहीं पे जाके लूँगी, आप देखती हूँ ले लूँगी यहाँ पे, तो रहीं पे इस घर में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो है, तो बस मैं चाय के कप पहले मैंने कहा धो के हटा लूँ, और वैसे भी कांच के बर्तन होते हैं उनको पहले धो लेना चाहिए। और जैसे मेरा दूध बॉयल हो रहा है आप देख सकते हैं, और अब मैं सोच रही हूँ कि इनको पहले हटा दूँ ये बर्तन और हाथ धो लेती हूँ, कुछ इधर का काम देख लेती हूँ, फिर ये मैंने प्लेटफॉर्म को भी हाथ से ऐसे क्लीन कर दिया। वाइपर है मेरे पास छोटा, बट आई थिंक सामान में चला गया वो भी, डोंट नो पता नहीं कहाँ, दिख नहीं रहा मेरे को। तो ऐसे पानी भी डाल दो ना तो जो ऐसा है वो साफ़ हो जाता है, छोटा मोटा कचरा है या जो भी है, कुछ सब्जियाँ बना रहे वो नीचे गिर गई है गैस पे, तो मतलब प्लेटफॉर्म पे, तो वो सब साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने बर्तन मतलब धो लिए थे फ़ोन रख कर, मांज लिए थे, तो अब मैं इनको धो रही हूँ, थोड़े ही हैं कर लूँगी तो इजी रहेगा इसीलिए। तो बर्तन धोने के बाद इधर मैंने दूध में इलायची डाल दी, मेरे को लगा मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड की है, बट वो क्लिप कैमरा मतलब फ़ोन का कैमरा ऑन नहीं था, तो मैंने इसमें कुछ 6-7 इलायची डाली हैं, और जो ड्राई होती ना वो नहीं डाली मैंने, जो ब्लैक ब्लैक है वही डाली है, तो उसका अलग ही कुछ एरोमा और टेस्ट आता है। और चावल भी मैंने आपको दिखाई के भीग चुके हैं अच्छे से, तो अब मैं उसको ना थोड़ा सा मसल रही हूँ, मतलब जो चावल के पूरे लंबे टुकड़े ना थोड़ा सा पार्टिकल उनके हो जाए, मतलब वो थोड़े से टूट जाए, देखिए एक आपको कुछ दिख रहे होंगे ये देखिए, थोड़े थोड़े मतलब टुकड़े हो जाएँ, एक चावल के एक दाने के टुकड़े टुकड़े हो जाएँ। तो मैं ऐसे ही करके बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही सही लगता है, पूरे दाने लंबे लंबे रहे ना सारे तो मुझे नहीं अच्छे लगते, थोड़े से ब्रेक ऐसे होने चाहिए, तो थोड़ा सा एक मतलब वॉल्यूम आ जाता है खीर में, यू कैन से दैट।
तो अब ये पानी भी मैं हटा दूँगी क्योंकि अब हमें बस डालना है थोड़ी देर में चावल को भी दूध का उबाल आने पर। मैं अपना हैंड वॉश कर रही हूँ और फिर मैं ये टॉवल से पोंछ लूँगी अपने हाथ को क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो दूध हमारा लगभग देखिए झाग आ रहा है, थोड़ा सा उबलने वाला ही है और इस समय भी ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी इलायची की, क्योंकि इलायची की खुशबू तो होती ही इतनी अच्छी है। तो ये दूध में उबाल लगभग लगभग आ ही चुका है, तो अब मुझे इसमें डालने होंगे चावल। तो इसमें मैं जो फ्लेम है ना वो मैंने धीमी कर दी है, तो देखिए क्योंकि इस समय पे इसको धीमा रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऊपर झाग भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो एक दो लोगों को मैंने देखा कि वो ये हटा देते हैं बट मैं नहीं, क्योंकि है तो दूध का ही उफान आ रहा है, मतलब उबल रहा है दूध, तो इसीलिए इससे ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है खीर का। मतलब जितनी मेरी जानकारी, मैं बहुत अच्छी कुक तो नहीं हूँ बट थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम चलाओ मैं बना लेती हूँ, तो उसी बेसिस पे कर। ये देखिए उबाल आ गया पूरा, तो अब जो राइस है मेरा मैं इसमें डाल दूँगी स्पून बाय स्पून। आप चाहे तो पूरा छोटा के हाथ से भी डाल सकते हैं बट मेरे को स्पून से कंफर्टेबल रहता है, और अभी से नहीं बचपन से ही मैं ज़रा स्पून की कुछ ज़्यादा ही दीवानी हूँ, तो मेरे को खाना खाना तो स्पून ज़रूरी है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं इसमें डालती जाऊँगी। और ये कई लोग तो मेजरमेंट करके लेते हैं, मैं मेजरमेंट तो नहीं करती। एक लीटर दूध में मैंने ये जो छोटा सा आप टिफ़िन देख रहे हैं ना इसमें आई थिंक 1/4 राइस था। मैं ऐसा कोई भी चीज़ में मेजरमेंट नहीं है मेरा, बस क्योंकि मम्मी को भी देखा था हमेशा से अंदाजे से ही हमारे वो करती थी सब, नमक इतना डालना है। तो और एक बार बताऊँ गाइस कि उनका अंदाज़ा हमेशा सही ही होता था। फ्लेम इससे मैं बिल्कुल धीमी रहेगी, मतलब मैं तो धीमी करती हूँ, और चम्मच को मैं ढक के रख दिया और उसको फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया। और इसमें डालने के लिए मैंने बादाम भी कट कर लिए हैं। तो मेरे टेनिस एल्बो, मैं आपको अपना बहन दिखा रही थी कि वैसे मैं बहुत ही माइनर कट नहीं कर पाई, उनको छोटे छोटे नहीं कर पाई, तो थोड़े बड़े पीसेस रखे मैंने क्योंकि बादाम थोड़ा हार्ड होता है ना, तो उसको कट करने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। और इधर मैंने चावल में जो और दूध को मतलब मिक्स कर दिया, फिर चला के दिखा रही हूँ मैं आपको। ये इसमें भी उबाल आने लगा, मतलब चावल थोड़े थोड़े पकने लगे हैं। और मैंने इसमें आलमंड भी डाल दिए हैं और इलायची भी है, तो देख सकते हैं खीर ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मुझे इसमें डालनी है चीनी जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं वो भी मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली डब्बे से डाल दे रही हूँ ऐसा तो नहीं बोलूँगी परफेक्ट कुक हूँ बट अंदाज़ा अक्सर सही होता है, तो मैंने अंदाजे से डाल दिए। और कंसिस्टेंसी अगर मैं दे बोलूँ तो मुझे थोड़ी सी गाढ़ी और चाहिए खीर, तो वही मैं बस चला रही हूँ। आई थिंक 5-6 मिनट और लगेंगे बस मेरी खीर बन के रेडी हो जाएगी, तो बीच बीच में इसको मैं चलाती रहूँगी। और एक बार मैंने कहीं सुना था कि जैसे कि मैंने इसमें चम्मच ना इसी में छोड़ दिया है, तो इस ऐसा करने से जो उबलता नहीं है सामान जो भी है वो उबलता नहीं है, मतलब बाहर नहीं निकलता है वो, तो ऐसा मैंने सुना है, तो आजमाया भी है कई बार, तो सच्ची है ट्रिक ये। तो बस खीर रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, और जितनी गाढ़ी मुझे जितनी जैसे चाहिए मतलब कंसिस्टेंसी इसकी वैसी मुझे हो गई है, मिल गई है मनचाही। तो बस थोड़ी देर में मैं गैस को ऑफ करूँगी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल भी पक गए हैं और चीनी भी मिक्स हो गई है इसमें। तो बस मैं इसको साइड से जो भी इसमें इसकी मलाई है जो भी लगा उसको मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ, इससे जो एक गाढ़ापन आ जाता है खीर में और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि कोई हम डेजर्ट खा रहे हैं, लाइक मतलब एक बहुत ही अच्छी मिठाई जैसी लगती है। तो अब हमारी खीर आप देख सकते हैं कि और गाढ़ी हो रही है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वो गाढ़ी होती जा रही है, और फ्लेम बिल्कुल धीमा था तो मैंने बंद कर दिया है फ्लेम को, और इतनी ही मुझे चाहिए थी। और अगर आपको थोड़ी गाढ़ी और चाहिए तो आप थोड़ा सा उसको धीमी आँच पे और पका सकते हैं, बट मेरे लिए इतनी काफ़ी थी तो मैंने गैस बंद कर दी और इसको बंद करके रख दिया है। और ये मैंने भगवान जी के भोग के लिए टिफ़िन में एक कटोरी मैंने निकाल लिया है, मतलब डब्बे में कि टिफ़िन का है ताकि मैं उसको ढक के रख सकूँ। ये रहे फ़िलहाल जो भगवान जी हैं यहाँ पर, छोटा सा मंदिर हमारा, तो मैं इनको भोग लगा दिया है। भगवान हमारे इस भोग को स्वीकार करें और हमें सद्बुद्धि दे, हमारा ख्याल रखें, हमें आशीर्वाद दें।
तो गाइस एज यू ऑल कैन सी कि मेरी दीदी गुड़िया बना रही है। मैंने दीदी को बोला था, उसने मुझे क्लिप भेज दी है। तो ये देख सकते हैं लिपस्टिक सिंदूर सब लगा रखा है मैडम ने, और दीदी अब उनको साड़ी पहना रही है प्लेट्स डाल के वो भी। और ये पुराने मतलब पुराने कपड़े मतलब बेकार नहीं, जो इससे कतरन होती है या एक्स्ट्रा बच जाते हैं कपड़े, वो मतलब नए कपड़े होते हैं जो टू पीसेस में होते हैं उनसे बनाई जाती है। और साड़ी देखी इनकी मैडम की, तो दीदी उधर से टर्न कर लिया है दीदी ने, और सब सारे कपड़ों का भंडार खोल के रखा हुआ है। इनकी साड़ी अच्छे से पहना ली जाए, देख सकते। और ये घूंघट भी कर लिया उन्होंने, लेडीज़ हैं भाई, शाशी था घूंघट किया है। तो यहाँ पे पांच गुड़िया बनके तैयार हैं, दो गुड्डे और तीन गुड़िया मतलब लेडीज़, दो जेंट्स। ये धोती पहनी जा रही है। तो फ्रेंड्स अभी शाम का वक्त हो चुका है, और इनमें लंच में मैंने खिचड़ी बनाई थी, और अभी मैंने शाम को बनाई है डिनर के लिए साबुदाने की खिचड़ी। तो आज हमारा खिचड़ी डे हो गया। एक्चुअली मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा पेट में दर्द है, मतलब थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे तो आज त्यौहार का दिन है नागपंचमी का, तो इसके लिए मैंने खीर बनाई है भगवान को भोग लगाने के लिए, बट और कुछ मैं नहीं ज़्यादा बना पाई। एक तो खाने का मन भी नहीं कर रहा, और सच बताओ बनाने की हिम्मत भी बिल्कुल नहीं है। तो आज का दिन मेरा जितना मैंने सोचा रहा वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, और दोपहर को आराम भी नहीं किया। तो अभी आई थिंक 8:30 हो रहा है, और अब मैं आराम करने जा रही हूँ थोड़ी देर में, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मैं मेहनत कर रही हूँ, बस मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी ना। तो मेरे वीडियोज़ को लाइक बहुत कर मिले, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़। अगर आपको अच्छे लगते हैं अपनी फैमिली के संग शेयर कीजिए, फ्रेंड के संग शेयर कीजिए, और मेरे चैनल रचना पैराडाइज को सब्सक्राइब कीजिए। अब बताइए पैराडाइज में इतने कम लोग रहेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्लीज़ इस पैराडाइज को अच्छा पैराडाइज बनाइए, मतलब रियल मीनिंग्स की पैराडाइज में, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब लगे कि हाँ ये रियल मीनिंग है पैराडाइज की, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। अपना ख्याल रखिए, बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी से सारी एहतियात के साथ निकलिए। चलती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।